वेलकम टू माय चैनल बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट। दोस्तों आज हम अपने इस चैनल पे आज देखने जा रहे हैं कि बीएचयू एलएलबी जो 3 ईयर प्रोग्राम होता है उसके एग्जाम सिलेबस क्या होते हैं। दोस्तों किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना हो तो एग्जाम का सिलेबस जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा रहा है इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हैं अपने इसी चैनल पे। आप बहुत अच्छे से मैंने उसको सॉल्व किया है और आपको उसका एनालाइज भी कराया है, एनालिसिस भी दिया है, ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि किस सेक्टर से कितने सवाल पूछे गए थे और बहुत ब्रॉडली मैंने अच्छे से किया। तो आप उसे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ साल के मैं और डालूंगा, अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले एग्जाम सिलेबस शुरू करते हैं हम। हमारे इस एग्जाम सिलेबस में जो मेजर पोर्शन होता है पूरे एलएलबी एंट्रेंस में, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो है वो पूछा जाता है। मैं इस वीडियो के लास्ट में सबके लिए एक स्पेसिफाइड बुक लिस्ट जरूर बताऊंगा जो कि आपके इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एंड पॉलिटी, ये पूछा ही जाता है। बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन 15-20 भी रहते हैं इस एंट्रेंस में। दूसरा जो है इंडियन पेनल कोड और बेयर एक्ट। इंडियन पेनल कोड 1860 मतलब 1860 में जो आया था वो, और उससे रिलेटेड जो भी जिस तरीके के भी बेयर एक्ट हैं उसकी एक पतली सी बुक आती है, वो आप कोई भी पब्लिकेशन की खरीदे वो सब सेम रहती है। आप उसे खरीद के उसको रट्टा मार सकते हैं। रट्टा मारने का मैं तरीका भी बताऊंगा, कैसे याद करेंगे कि एग्जाम में वहाँ प्रोड्यूस हो सके, उसे आप कर पाए, सही सही आंसर टिक कर पाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जनरल स्टडीज। दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, जनरल स्टडीज में क्या पढ़ना है ये जरूर फोकस्ड रहे, नहीं तो आप भटक जाएंगे, बहुत ज्यादा चीज पढ़ने लगेंगे। देखिए जो डेली न्यूज पेपर आर्टिकल्स में जो भी प्लेसेस के नाम रहते हैं, जो भी नए इन्वेंशन होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अगर वो आप न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल है, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम लड़के इसीलिए आते हैं यहाँ, तो आप मेरे इसी चैनल पे, मैंने बीएचयू एंट्रेंस के लिए सारे बच्चों के लिए डेली करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप देख के अपना टाइम बचा सकते हैं और मैक्सिमम 10 मिनट सुबह का दिया करें उस वीडियो पे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो और आप उसको देख सकें। जनरल स्टडीज में मेन पोर्शन जो होता है वो साइंस का होगा, करंट अफेयर्स के बारे में बता चुका हूँ, साइंस, हिस्ट्री। अब मैं साइंस की अगर बात करूँ तो साइंस में बायो इज द की, बायोलॉजी जो है वो बहुत सवाल पूछे गए हैं, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री पूछे गए हैं। तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने सॉल्यूशन जब किया था, सॉल्व किया था, ये एनालाइज किया था, ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो बायो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। मैं अपने इस चैनल पे एक एक सब्जेक्ट का, जो भी आपको हार्ड लगता हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस सब पे सेपरेट वीडियो डालूंगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आए ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको एग्जाम हॉल में टिक मारने में कोई दिक्कत ना हो, गोला करने में, टिक मारने में नहीं। तो साइंस हो गया, इसमें बायो मैक्सिमम, हिस्ट्री जरूर पढ़ें, इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है मैं आपको बता रहा हूँ। करेंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, आप अगर टाइम है तो न्यूज़पेपर या कोई मंथली मैगजीन ले सकते हैं, अदरवाइज आप डेली और मंथली जो करेंट अफेयर्स आएंगे उसको फॉलो कर सकते हैं मेरे इस चैनल पे बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट पे। और इंग्लिश की अब बात करें, और यहाँ लैंग्वेज होता है, या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं या फिर हिंदी करें, और ये 20 क्वेश्चन हर साल ये रहता ही है। तो इसकी खासियत ये है कि बहुत ईजी रहता है, नॉमिनल रहता है, हिंदी वाले बच्चे आराम से कर पाते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है तो वर्ड में होती है, लीगल मैगजीम में होती है। लीगल मैगजीम क्या होता है, चूंकि ये लैटिन वर्ड होते हैं, लॉ जो है लैटिन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज से आया था, तो इसके लिए उसमें लीगल वर्ड कुछ जो है उन्हीं के भाषा में आज भी वो यूज होता है, उसे लीगल मैगजीम कहते हैं। और वर्ड्स की बात करें तो इसमें एंटो, एंटोनिम, साइनोनिम, ये सब 8 से 10 पूछे गए हैं एग्जाम में, मैक्सिमम मिनिमम 4 से 6 तक पूछे गए हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि 20 क्वेश्चन में 4 से 6 अगर ये पूछ लिए जाते हैं तो 15-20% तो यही हो गया। तो और ये तैयार करना बहुत ही ईजी है, ये द हिंदू पेपर से सेलेक्ट किए जाते हैं सारे वर्ड, क्योंकि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का डेली रीडर हूँ, तो ये मैं आराम से कह सकता हूँ। और प्रोफेसर्स यहाँ यूनिवर्सिटी में ये बहुत पॉपुलर है, तो उसी से सारे वर्ड्स सेलेक्ट किए जाते हैं। मैं अपने इस चैनल पर डेली द हिंदू वर्ड्स जो होते हैं उनके मीनिंग, उनके एंटो साइनो, कौन से वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, सब कुछ अपलोड करता हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। ग्रामर पोर्शन के लिए, ग्रामर पोर्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो कोई भी बेसिक आप बुक ले सकते हैं ग्रामर की, उसे आप पढ़ सकते हैं, उसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी।
मेन पोर्शन होता है वर्ड, जिसे आप डेली मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं। करंट अफेयर्स और वर्ड्स की दोनों की पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अब आते हैं एक इसमें पार्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड। इसमें एक आपको फैक्ट दिया रहेगा, उस पे बेस्ड सिचुएशन दिए रहेंगे, उसको आपको एनालाइज करके उसको गोला करना होता है। ये आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो उसको आप अंदाजा लग जाएगा। और एक और खास चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए इजीली, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ये BHU एंट्रेंस पॉइंट के नाम से ही है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उससे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आप उसमें डिस्कस भी कर सकते हैं, आपको किस टाइप का मटेरियल चाहिए, हर टाइप का स्टडी मटेरियल डाला जाएगा। हमारे इस चैनल पे एवरीथिंग, इवन पॉलिटी के हमने कुछ वीडियो डाले भी हैं, आप देख सकते हैं कैसा है, रिव्यू बता सकते हैं। और पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर चीज़ के वीडियो डाले जाएंगे BHU एंट्रेंस के लिए। आप आराम से देख के अपना टाइम बचा सकते हैं और रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब हम पढ़ने के साथ साथ किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है और वो एग्जाम हॉल में आदमी आराम से उसे कलेक्ट करके और प्रोड्यूस कर पाता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ विजुअलाइजिंग द नॉलेज। सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट कि अब इन सब के लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। सबसे मुख्य बातें हैं, इंडियन पॉलिटी के लिए आप M. लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। इन सब के लिए कितने बेहतर तरीके से अगर आप प्रिसाइज तैयारी करना चाहते हो तो एक बुक आपको रखना ही चाहिए हर लॉ के एंट्रेंस के लिए, चाहे वो किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्यों ना हो, वो है यूनिवर्सल की गाइड जो आती है वो। ये काफ़ी मोटी बुक होती है, बहुत ही तगड़ी बुक होती है और बहुत ज़्यादा पेजेज हैं इसमें, लेकिन इस पर आपने अगर कमांड कर लिया तो आपका लॉ का एंट्रेंस निकलना तय है, ये आप बात समझ लीजिए। हर मामले में इसमें हर चीज़, लीगल मैगजीन हो, इंग्लिश वर्ड हो, इंग्लिश ग्रामर हो, पॉलिटी हो, हर चीज़ इसमें इंक्लूड है लॉ के रेस्पेक्ट से, अगर आप उसको कर सकते हैं तो। अदरवाइज आप उसे रखें जरूर प्रेफरेंस बुक के लिए, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, यूनिवर्सल गाइड फॉर LLB एंट्रेंस। और M. लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए अगर आप पढ़ते हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे इस चैनल पे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉलिटी 2-3 बुक से प्रिसाइज करके आसान भाषा में समझाता हूँ, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन पेनल कोड बेयर एक्ट मार्केट में किसी भी दुकान पे ढूंढेंगे, इस जैसे ही बोलेंगे बेयर एक्ट की बुक, वो पतली सी दे देंगे, आप उसे रट्टा मार सकते हैं। कोई भी, एनीवन, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको जो पसंद आए, जो भाषा सरल हो वो आप ले सकते हैं। अब आते हैं साइंस, हिस्ट्री, मतलब GK GS पोर्शन के लिए। GK GS पोर्शन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको लूसेंट पे फुल कमांड हो, लूसेंट पे, लूसेंट की GK की जो अपडेटेड बुक होगी उस पे अगर आपकी फुल कमांड हो, मैंने कहा अपडेटेड मतलब ये इस साल का, पिछले 10 सालों का नहीं उठाइएगा, इस साल का अपडेटेड। इससे ये होगा कि सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, जो भी 8-10 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, और हिस्ट्री 4-5 आते ही आते हैं, तो ये लूसेंट से आते हैं, अपडेटेड बुक खरीदेंगे आप लूसेंट की, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के मैं अपलोड कर दूंगा, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मगर मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा। और लीगल मैगजीन के लिए यूनिवर्सल गाइड इज परफेक्ट, या फिर प्रीवियस ईयर के जो भी BHU के क्वेश्चंस पेपर हैं उसको आप डाउनलोड करके या मेरे चैनल से आप ले सकते हैं और उसको आप सॉल्व करेंगे, उसमें जो जो क्वेश्चन है उसको तो जरूर रट्टा मार के जाएं, क्योंकि वो बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं हम मैथ और रीजनिंग की। इतनी बातें करने के बाद मैं एक और बात कहूँगा, मैथ और रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें। मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लड़के जो LLB की तैयारी करने आते हैं वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने इसको नीचे मेंशन किया है। मैथ और रीजनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप RS अग्रवाल की मैथ्स और रीजनिंग खरीद सकते हैं, या फिर अरिहंग, दोनों पब्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो RS अग्रवाल ले लीजिए तो, या फिर अरिहंत की मैथ की बुक ले लें, ऑब्जेक्टिव की और रीजनिंग की, इन दोनों में से कोई एक। एग्जाम क्रैक करना हो तो लिमिटेड बुक रखें, बहुत ज़्यादा बुक रखेंगे आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, सबसे मुख्य बातें ये होती हैं। मैंने इस वीडियो में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, क्या सिलेबस होता है और किससे तैयार करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस करें और लीगल एप्टीट्यूड को रटें, रोज 10-15 रटें, हमारे इस चैनल पे वर्ड्स को आप देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन बहुत बार करें, ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी होगा आपको क्रैक करने के लिए। मेरे कई सारे दोस्त हैं वो यही सब बताते हैं और उन्होंने अच्छा रैंक हासिल किया है, तब वो हॉस्टल में है और हॉस्टल का बहुत बेनिफिट है यहाँ BHU में, तो आप सफल होंगे
लगे रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।